कहीं नहीं जाएंगे, यही छाती पर मुंह बोलेंगे और यही रहेंगे। आज हर सुबह उठकर सत्ता में बैठे लोगों का एक सुबह उठने ये सवाल होता है कि आज पायलट साहब क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा कांग्रेस के पक्ष में बोल रहे हैं या के मंच पर फिर उनके लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, और वो भाषा जो हम लोगों ने किसी राजनेता के मुंह से नहीं सुनी। आज जिस मुद्दे को लेकर पायलट साहब निकले हैं उसको समझने की जरूरत है। पेपर लीक हुआ, किसने पेपर लीक किया? साथियों, पेपर लीक करने वाली संस्था, जिस संस्था को आदरणीय सोनिया गांधी जी ने इस देश को नौजवानों को अधिकार देने वाले नेता राजीव गांधी जी के नाम से बनाया था, राजीव गांधी स्टडी सर्कल, उसकी शिक्षा में हम लोगों ने यूनिवर्सिटी में उसके कैंपों में भाग लिया है, और जब राजीव गांधी स्टडी सर्कल के लोग ही पेपर में शामिल है, लीक करने में शामिल है, तो कहां कांग्रेस की बात रहेगी, कहां सोनिया जी और कहां राजीव गांधी जी की बात रहेगी? जो दलाल पकड़ा गया उसके घर पे बुलडोजर चला गया जैसा पायलट साहब ने कहा, और बात खत्म हो गई। कटारा को किसने नियुक्ति दी, इस बात पर सवाल उठेगा। आज गांव से जो लोग एक एक दो दो लाख रुपए लगा कर इन कोचिंग में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, वो सवाल पूछेंगे कि सुभाष गर्ग का नाम इसमें क्यों नहीं आया, क्योंकि वो आपका प्रिय है, पूरे पारा से रोड जा रोली। इस बात का सवाल जनता पूछेंगे और हम भी पूछेंगे, जो कार्रवाई करनी हम पे करें, और जो आप लोगों को जो भाषा में बोलना है हम आप लोग बोले। मैं आदरणीय पायलट साहब से यही कहना चाहूंगा कि पायलट साहब, ये नौजवान आपको याद रखेगा, और इस यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि जब हम लोग फिर वोट मांगने जाएंगे तो जिन लोगों को सुनना नहीं है उनसे कोई नहीं पूछेगा। पायलट साहब, आपसे लोग पूछेंगे कि जब भविष्य खराब हो रहा था नौजवानों का तो आप घर में क्यों बैठे थे, तब उनके पास कहने के लिए टाइम नहीं होगा। वो नेता जिसकी कहां पढ़ाई हुई, किस परिवार में पैदा हुए, 5 साल इस राजस्थान की सड़कों को एक एक घर घर जाकर इन्होंने छाना, और आज 45 डिग्री टेम्परेचर है, 45 डिग्री, उसमें 5 दिन से यहां आए हैं, इस बात को हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। मैं आदरणीय पायलट साहब से यही कहना चाहूंगा कि पायलट साहब, जो लड़ाई आपने शुरू की है वो जिस कीमत पे खत्म हो हम लोग तैयार।